रहे हैं इंस्टा न्यूज। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली में डटे हुए हैं। किसानों के केंद्र सरकार के साथ कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं हुआ है। 4 जनवरी को भी दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ किसानों की मीटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ हिंदू संगठनों के लोग किसानों के हक में हवन यज्ञ कर रहे हैं कि आज की मीटिंग में किसानों के हक में फैसला हो जाए, किसान अपने परिवार में वापिस आ जाए। शिवसेना हिंदुस्तान के राज्य संगठन मंत्री राजा बालिया ने कहा कि भगवान केंद्र सरकार को सुबुद्धि दे और आज की मीटिंग का किसानों के हक में फैसला हो, इसलिए उनकी तरफ से हवन करवाया गया है। हवन जाग कराया गया है, विजय हवन जाग कराया गया है कि जड़ा किसानों की आज मीटिंग 4 तरीक न मोदी सरकार के नाल होन जा रही है। शिवसेना हिंदुस्तान जी है ये अज इस आस नाल ये जग कराया गया कि जी ये मीटिंग सफल होए तो किसानों उन्होंने बनता इंसाफ मिले, तो जिहड़े अपने परिवारों नूं छड्ड के इन्नी ठंड दे विच उत्थे बैठे लोग वो आप अपने घरां दे विच बच्चियां दे विच वापस महसूस करते हैं कि जिहड़ी सरकार मोदी सरकार नूं लोकां ने लोकां नूं बड़ियां आसां सी जिहड़ियां ओह आसां नूं मतलब पूरा नहीं उतर पाई, क्योंकि जिहड़ी इह सरकार है इह सरमायेदार लोकां दे हत्थां दे विच खेडण रही है। इस करके जिहड़ा वा आपां सरकार नूं इह कहना चाहुंदे हां कि जिहड़ा जे सरकार बनाउण दे जिहड़ा हत्थ है वह पूरा आम गरीब लोकां दा वा, ना कि सरमायेदार लोकां दा। जिहड़ियां वोटां कल नूं जदों लैण आणियां उह फिर इहनां कोल जाणा। जिहड़ा अज्ज हवन जाग कीता असीं इसे करके कीता कि उहनां नूं बुद्धि जिहड़ी महाराज देवे ते उह अपना जिहड़ा वा सही फैसला कर सकण। केंद्र सरकार इस करके सुनवाई उहनां नूं करनी चाहीदी है, क्योंकि पंजाब का जिन्ना भी किसान है उत्थे बैठा वा अपने धी पुत सारा काम कार छड्ड के। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द चाहिए कि इसे करके हवन जाग करवाया गया कि किसानों की विजय होए, उन्होंने जोड़ा वा अपने परिवारों के वापस आ जाए। बहुत सारा ठंड है, तुम्हें भी देखा होगा कि 2-3 बुजुर्ग ठंड के कारण उत्थे मर भी गए हैं। आप कहने कि उन्होंने आत्मा को शांति मिले तो जोड़े केंद्र सरकार है जल्द से जल्द उन्होंने मना मन मन ता जो जो किसान भरा वा आके अपने परिवार में खुशहाल बैठ सकते।